सो हेलो फेलोज, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर GTA डेफिनेटिव एडिशन के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए GTA 3 का वीडियो भी है और उसके अलावा आपके GTA Vice City का भी ऑप्टिमाइजेशन है और उसके अलावा GTA San Andreas के लिए सभी लैग फिक्स, सभी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस वीडियो में फिक्स होने वाली है। कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ बिफोर एंड आफ्टर का और जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करे हैं। मैंने टेलीग्राम के ऊपर बहुत एक अच्छा पोल डाला था और काफ़ी लोगों ने बोला था यहाँ पे हमारा गेम लैग करता है 52% लोगों ने, और उसके अलावा यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी थे जो ग्राफिक्स यानी कि GFX मोड को भी यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस वीडियो के अंदर मैंने PC सेटिंग्स का ट्यूटोरियल बताया है और उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाले है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आपको पेशेंस से इस वीडियो को देखना पड़ेगा एंड उसके बाद में 100% लैग फिक्स आपका हो जाएगा। वेलकम टू द मिस्टर सैफ्रॉन वाइट, in this channel I'll always upload GTA San Andreas GTA related videos, so if you are new in this channel make sure to visit the channel and subscribe the channel and also like this video for the future updates and let's start। फर्स्ट स्टेप होने वाला है गाइस हमारा यहाँ पे इन गेम सेटिंग्स, और इन गेम सेटिंग्स में हम क्या करेंगे ऑप्शंस में जाएंगे एंड ग्राफिक्स में जाने के बाद में हमारे जो ग्राफिक्स की सेटिंग्स है इन्हें हम यहाँ पे पूरा का पूरा फिक्स करेंगे। अब सिमिलरली मैंने GTA San Andreas के अंदर भी ग्राफिक्स सेटिंग्स के बारे में बताया था जो कि बहुत बेसिक चीज़ थी, बट इस वीडियो में जो लोग Vice City के यूजर्स हैं उनको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये है कि आपका जो रेजोल्यूशन है ये वाला, इसको जब आप पूरा फुल कर देते हो आपकी गेम की क्लियरिटी बढ़ जाती है बट एट द सेम टाइम आपके फोन में गेम लैग करने लग जाता है। नॉट अमेजिंग थिंग, क्योंकि वहां पे अगर आपका गेम लैग करेगा आपका एक्सपीरियंस खराब होगा। तो यहाँ पे आप अपने रेजोल्यूशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपका गेम लैग नहीं कर रहा हो वहाँ पे आप अपने रेजोल्यूशन को जो है फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसे डिफरेंट सेटिंग्स है जो कि है ब्लूम एंड लेंस फायर, क्लासिक लाइटिंग, ये सारे ऑप्शंस को डिसेबल करिए क्योंकि ये यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, अपने फ़ोन के प्रोसेसर्स की पावर को कंज्यूम करेंगे और उससे वजह से आपका गेम लैग करेगा। फॉर दैट यू हैव टू डिसेबल बोथ देम, और उसके बाद में ब्राइटनेस एंड कॉन्स्ट्रेट, इट इज़ एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। कॉन्स्ट्रेट और ब्राइटनेस ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाने वाले हैं, बट स्टिल यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, और जैसा आपको लगता है वैसे आप इसको चेंजेस कर सकते हो। दैट्स इट अबाउट द इन गेम सेटिंग्स। सेकेंड स्टेप में मैं ले जा रहा हूँ और वो होने वाली है आपकी फ़ोन सेटिंग्स। फ़ोन बेसिक फ़ोन सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बेसिक टू एंड होने वाली है, सो लेट्स गो फॉर दैम। तो सबसे पहले आपको अपने जो लाइव वॉलपेपर्स होते हैं उनको वहाँ पे आपको इग्नोर करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब वॉलपेपर्स क्या करते हैं कि हमारे फ़ोन के CPU पे बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं और यह उन्हें बहुत ज़्यादा। सेकेंड चीज़ है गाइस, आप अपने फ़ोन के अंदर स्टोरेज को क्लीन करके रखिए, यानी कि आपका फ़ोन का स्टोरेज पूरा फुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन के अंदर अगर पूरा स्टोरेज है तो आपका फ़ोन कहीं ना कहीं लैग करेगा, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखनी है कि आपको अपना फ़ोन का स्टोरेज फुल नहीं रखना है। आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में 6 GB स्टोरेज अभी खाली है, यानी कि 94% GB जो है मेरे, मतलब 94% जो जगह है वो ऑलरेडी यहाँ पर घेर चुका है मेरा फ़ोन। तो इतना स्पेस अभी मेरे पास ऑलरेडी 6 GB है, तो मुझे और स्पेस क्लियर करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट अपने फ़ोन के अंदर 60-70% ऑफ जो डेटा है वो रख सकते हो योर स्टोरेज। तो जो पॉसिबल चीज़ें आप डिलीट कर सकते हो आप करिए, क्योंकि आपका फ़ोन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उससे पड़ेगा। ठीक है, नाउ थर्ड चीज़ इज़ कि आप अपने फ़ोन के अंदर अनयूज्ड एप्लीकेशन को डिलीट कीजिए, जैसे कि ये एप्लीकेशन मेरे किसी काम के नहीं है, मैं क्या करूँगा इस एप्लीकेशन को यहाँ पे सिंपली जो है डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस एप्लीकेशन को ऐसे तो इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देता हूँ, और जो भी आपके काम के एप्लीकेशन नहीं है उनको आप डिलीट करके यहाँ से अपने फ़ोन से रवाना कर दीजिए, गेट आउट कर दीजिए उन्हें, बिकॉज इससे आपके फ़ोन में स्टोरेज भी क्लियर होगा और साथ में ये एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट चलाती है वो भी आपकी फ्री हो जाएगी। दैट वुड बी अमेजिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, अब जो लास्ट चीज़ रहेगी डेवलपर ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, आपको क्या करना है अपने सेटिंग्स को ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर ऑप्शंस, और डेवलपर ऑप्शंस
आपको यहाँ पे आप जैसे ओपन करोगे ना गाइस, हमें डेवलपर ऑप्शन के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स करनी है अभी, तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिए ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो जैसे कि आप देख सकते हो मेमोरी का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है मेरे फोन के अंदर। इससे यहाँ पे मैं अपनी रैम है यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब आप लोगों के फोन में मे बी ये ऑप्शन ना हो, बट जिन लोगों के होता है वो अपने रैम जो है आप एक्सटेंड कर लीजिए गाइस ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे फोन में जो रैम है बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू ली जा रही है, तो ये आप चेक कर सकते हो ठीक है। इतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, ये मैसिव इंप्रूवमेंट दे सकता है अगर आप अपनी रैम को एक्सटेंड कर देते हो तो। अब हमें यहाँ पे एक और सेटिंग को जो है अनेबल करना है, जो कि रहेगी आपकी ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस। इस पे जाएंगे एंड इस पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी GTA की एप्लीकेशन को चूज़ करना है। तो मैं GTA Vice City आप देख सकते हो इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे सिलेक्ट कर दूंगा। इससे ये पूरा का पूरा GPU को लेना स्टार्ट कर देगा। GTA San Andreas को भी मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो गेम है वो अभी पूरा का पूरा CPU जो है इस गेम का लेने वाला है, पूरा का पूरा GPU जो है गेम लेने वाला है। दैट इज़ द अमेजिंग थिंग कि आपके फ़ोन के अंदर फुल यूटिलाइजेशन होने वाला है ऑफ योर प्रोसेसर्स ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वो नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिख जाएगा Force 4X MSS है और ये आपको अनेबल कर देना है। इससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव होगी गाइस, ज़रूर होगी, आपको इतना नोटिसेबल चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट एक्चुअली में ये थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा, तो इसको अनेबल कर दीजिएगा। ये सेटिंग्स करने के बाद में यू आर एक्चुअली गुड टू गो। आपने अपने फ़ोन के अंदर जितनी भी सेटिंग्स करनी थी वो यहाँ पे आपने कर ली है। और अब मैं एक फाइनल स्टेप में आ रहा हूँ, जो स्टेप करने के बाद में आपके फ़ोन में मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाएगा, यानी कि पूरा मैसिव इंप्रूवमेंट, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। चलते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब गाइस जो लास्ट स्टेप है वो होने वाला है आपका इंस्टॉलिंग कस्टम रोम। अब ये वाला जो पूरा का पूरा फंडा है कस्टम रोम का, ये एक्चुअली ये है कि आपके फ़ोन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल देता है और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देता है आपके फ़ोन के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी कि उसके अंदर जो भी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, फॉर एग्जांपल योर गूगल, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट होती है, या अगर आपके पास MI का फ़ोन है तो MI की तरफ से बहुत एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड आती है, प्री एप्लीकेशन जो होती है वो सारे एप्लीकेशन को हटा करके एक क्लीन इंटरफेस प्रोवाइड करता है और आपके फ़ोन को पूरा स्पीड अप कर देता है। इतना ही नहीं, आपके फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस भी वो इंप्रूव कर देता है, क्योंकि सारे के सारे जो पुरानी एप्लीकेशंस होती है वो डिलीट कर देता है। अब इसमें रिस्क ऐसा है कि आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ता है, और किस किस केसेस में कुछ कुछ रोम में रूट रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट मैक्सिमम केसेस में अगर आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहे हो जिसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है, वो कस्टम रोम ऑफकोर्स ऑलवेज आपका रूट रिक्वायर्ड करता है। तो उस सिचुएशन में आपके अपने फोन को क्रिटिकली बहुत सेफली आप जो है अच्छे ऑथराइज सोर्स से आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ता है, कस्टम रोम डालना पड़ता है। अब ये चीज़ आप अपने खुद के PC से कर सकते हो, और चाहो तो आप अपनी किसी लोकल शॉप जाकर के वहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो। तो इसमें रिस्क कुछ ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं कि आपका फ़ोन पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है, ब्रोक हो सकता है, ऐसी बहुत चीज़ें होती है वैसे, बट मैक्सिमम केसेस में आपका फ़ोन रिपेयर भी हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत रिस्की होता है। बट अगर आप ये चीज़ सक्सेसफुली कर लेते हो आपका फ़ोन में पूरा मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाता है। ये चीज़ आप जाकर के कंसल्ट कर सकते हो अपने कोई लोकल शॉप में, या फिर आप अपने YouTube पे बहुत वीडियोस है इससे रिलेटेड, आप वो जाके भी देख सकते हो और वहाँ से भी अपना फ़ोन को रूट कर सकते हो। अगर मैं आपको अपने पर्सनली बताऊँ तो मेरे पास ये Redmi Note 7 Pro है जिसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इसमें Google का Pixels ROM डाला हुआ है जो कि मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, और स्पीड मेरी फ़ोन की बढ़ चुकी है इससे। मैं अपने फ़ोन को पहले MI के साथ यूज़ करता था, बट बहुत ज़्यादा लैग करने के बाद में एप्लीकेशंस भी ढंग से ओपन ना होने के कारण आई चेंज्ड माय कस्टम रोम टू Google Pixel, एंड जब मैंने शिफ्ट किया तो मुझे बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला। और इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एक जो है आप कस्टम रोम को इंस्टॉल करिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। अभी यार मैं इस गेम को इतना अच्छा खेल रहा था और मुझे ये गेम बहुत अच्छा लग रहा था ग्राफिक्स में, लेकिन यार अब मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा गेम ये लैग करता है। अब आप देख सकते हो इतना ज़्यादा लैग कर रहा है कि भाई ये खेलने लायक नहीं लग रहा है, मतलब
ग्राफिक्स तो भाई इतने ऑसम लग रहे हैं ना, ग्राफिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पे। बस मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि मेरा गेम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैग कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कोई भी कार स्पॉन कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। और अभी अगर मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग्स में जा करके देखूँ तो सेटिंग्स में भी यार यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी सेटिंग्स को इवन मीडियम कर रखा है, उसके बाद में भी ये गेम लैग कर रहा है। आप देख सकते हो मैं हाई करने के बाद तो ये गेम और भी थोड़ा लैग करने लग गया है। तो अभी हम इसी चीज़ को फिक्स करने वाले हैं, मैं आपको सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ये सारी सेटिंग्स में गाइस सबसे पहले ना हमारे पास में विजुअल इफेक्ट्स आते हैं। विजुअल इफेक्ट्स हमारे वो होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिन चीज़ों को आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे ये जो इफेक्ट्स है, जैसे कि आपका ये जो हेडलाइट है, ये हेडलाइट के ऊपर आप जो इफेक्ट देख पा रहे हो, जो लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है, ये सारे आपके विजुअल इफेक्ट्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इन विजुअल जो इफेक्ट्स हैं इनको मैं अगर लो कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो गेम है उस पर फ़र्क पड़ेगा और यहाँ पे जो है मेरा गेम थोड़ा सा जो है फिक्स हो जाएगा लैग में, ठीक है। ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको मे बी, क्योंकि हम और भी सेटिंग्स को देखने के लिए अभी पूरा वीडियो, तो अभी हम और भी सेटिंग्स को करने वाले हैं तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल गाइस मैं इसको यहाँ पे लो कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे विजुअल इफेक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से ग्राफिक्स में जाकर के हम फ्रेम रेट को सेट करेंगे और फ्रेम रेट को हम यहाँ पे 60 पे रखेंगे, ठीक है। फ्रेम रेट को हम यहाँ पे 60 पे रखेंगे फॉर दी बेस्ट पॉसिबल FPS, ठीक है। तो ये हमें करना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे अगेन मैप में एंड ऑप्शंस में जाके सेटिंग ग्राफिक्स में जाकर के एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन को हम यहाँ पे कम कर देंगे। अब पूरा कम करोगे तो आपका गेम ब्लरी हो जाएगा, बट ऑन दी अदर हैंड आपके गेम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट भी आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा गेम जो है इंस्टेंटली थोड़ा सा फिक्स हो चुका है, यानी कि अभी मेरा गेम इतना लैग नहीं कर रहा है जितना पहले लैग कर रहा था। तो ये रेजोल्यूशन का बेनिफिट होता है। तो मैं रेजोल्यूशन को अपने रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जो है 40-50% के बीच में रख सकते हो, इससे आपका जो है परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहेगा और जो क्वालिटी है गेम की वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में एंटी अलाइजिंग को यहाँ पे मैं ऑफ करने को रिकमेंड करूँगा, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में डिस्टेंस स्केलिंग, अब डिस्टेंस स्केलिंग का मतलब ये है कि आप कितना दूर तक ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। जैसे कि आप अभी मैप में देख सकते हो कि ये आप ये वाली चीज़ें कितना आप अभी करंट पोजिशन से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये आपकी डिस्टेंस स्केलिंग होती है, ठीक है। इसको आप जितना कम करोगे उतना आपका गेम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी जा कर के कम कर दूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस स्केलिंग को मैं यहाँ पे अल्ट्रा पे ना करके मैं यहाँ पे क्लोज पे कर दूंगा, ठीक है। क्लोज पे करने पे क्या होगा, यहाँ पे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कार रिफ्लेक्शन है, कार रिफ्लेक्शन को मैं ऑब्वियसली लो पे रखूँगा फॉर द गेटिंग बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल। उसके बाद में रिफ्लेक्शन क्वालिटी को आई विल ऑल्सो सेट एट द लो एंड सिटी ग्लो इफेक्ट, आई डोंट वॉन्ट एनी ग्लो इफेक्ट ऑन द सिटी। ग्राउंड हैज़ अ डिफॉल्ट, ये था, इसको भी मैं ऑफ करूँगा। एंड वर्ल्ड शेडो क्वालिटी, वर्ल्ड की शेडो क्वालिटी को आप यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट दैट एट ऑल, इसको लो पे करूँगा। एम्बिशन ऑक्लूजन को भी मैं यहाँ पे ऑफ करूँगा, इट इज़ नॉट यूजफुल दैट मच अकॉर्डिंग टू योर ब्लैक फिक्स, राइट। एंड उसके बाद ब्लूम को ऑफ कर दूंगा। मोशन ब्लर, ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट मोशन ब्लर। मोशन ब्लर बेसिकली ये आपके ब्लर ऐड कर देगा, जैसे ही वेन यू मूव योर कैमरा लेफ्ट और राइट यू विल सी ब्लरी इफेक्ट, दैट इज योर ब्लरी इफेक्ट एंड सो वी विल टर्न ऑफ दिस, ओके। देन वी हैव डेप्थ ऑफ फील, दिस इजंट एनी यूजफुल थिंग। एंड देन वी हैव सिम्यूलेशन स्केल, you also have to load this and also straight light quality, we don't want the high quality, we will also set this as the low. And then we have vehicle light quality ko also we will low, isse kya hoga vehicle ki jo quality hai yahan pe aap dekh pa rahe ho wo thodi si लो हो जाएगी। एंड नाउ यू विल सी कि हमारे गेम में थोड़ा बहुत यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, पहले से गेम हमारा स्मूथ चलेगा यहाँ पे, ऑल्दो इतना इफेक्ट नहीं आने वाला है, बट उसके बाद भी अगर आपको मैसिव इंप्रूवमेंट चाहिए आप रेजोल्यूशन को यहाँ पे लो कर सकते हो एंड देन यू विल सी कि आपका गेम यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। अभी आप अगर इंप्रूवमेंट देखोगे कंपेरिजन में आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ।
करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने जेरार्ड फेवर को ओपन करना है और उसको ओपन करने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, एंड्रॉइड अनप्रोटेक्टेड के फोल्डर में जाकर के सीधा हमें यहाँ पे जाना रहेगा डेटा के फोल्डर में। आप देखोगे तीन फोल्डर हमें देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से आपको डेटा फोल्डर में जाना है, GTA San Andreas के फोल्डर में जाके फाइल्स में यहाँ पे जाएंगे एंड UE4 के अंदर जाकर के यहाँ पे हमें गेम फेस के अंदर जाना है एंड गेम फेस के अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पे जो है कॉन्टेंट में जाना है और फिर यहाँ पे हमें पैक्स जाना है, मोड्स का फोल्डर मिलेगा इसके अंदर जाना है और ये मोड्स का जो फोल्डर है इसके अंदर जाने के बाद में आपको ये फाइल मिलेगी 500 रीस्टोर पीसी सेटिंग्स, इस फाइल को आपको डिलीट करना है। अब ये आपके फोन में से सारी पीसी सेटिंग्स हट जाएगी, लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो ना तो आपको ये वाली दो फाइल भी डिलीट करनी पड़ेगी जो आप नीचे देख सकते हो। ये जो दो फाइल्स आपको दिख रही है, तीन फाइल्स एक्चुअली, इसको भी हमने डिलीट किया और ये जो 1 और 2 बैक चंक वाली फाइल है इनको भी हमें डिलीट कर देना है। अब ये वही डिलीट करना जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो वाला वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो तभी आपको ये फाइल डिलीट करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। बस दिस वॉज द सिंपल सॉल्यूशन जिससे आप अपना गेम का लैग पूरा फिक्स कर सकते हो। ग्राफिक्स में थोड़ा डिक्रीमेंट होगा बट इतना नहीं होगा और आप अपने गेम के अंदर एक नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखोगे। उसके अलावा यहाँ पे अपने गेम के अंदर सारी की सारी स्पोर्ट्स कार्ड्स और मिशंस और जो दूसरी चीज़ें हैं वो वही सेम रहने वाली है, GFX आपका काम करने वाला है, बस PC सेटिंग्स आपकी नहीं रहेगी। सो PC सेटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड GFX इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू विल हैव GFX, सो डोंट वरी अबाउट दिस, यू जस्ट हैव टू डिलीट दीज फाइल्स।